हेलो दोस्तों, नमस्कार। अशोक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोटी मछली सुइया की नई रेसिपी। तो आइए इसे साफ कर लिया जाए। तो मछली को हमने अच्छी तरीके से धो लिया, बिल्कुल साफ कर लिया है। और अब इसमें मछली फ्राई हम बनाएंगे। तो मछली फ्राई में हम बेसन डालेंगे, चावल का आटा डालेंगे हम, और प्याज लहसुन अदरक मिर्चा का हमने पेस्ट बना रखा है उसको डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया हम डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, धनिया डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, और गरम मसाला थोड़ा सा हम डालेंगे आधा चम्मच। हमने सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। इस तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल मिला लेंगे कि हर चीज़ बिल्कुल मिल जाए अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से हम मिला लिए हैं बिल्कुल। अब इस तरीके से हम इसके टिक्की ऐसे बना लेंगे और तेल में हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तो आइए फ्राई करते हैं। अगर ये चिपकता है, टिक्की नहीं बनता सही से, तो हाथ में तेल लगा लीजिए और आराम से इस तरीके से बना लीजिए। ये देखिए, सभी मछलियों को इसी तरीके से हम बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से सभी मछली का हम टिक्की बना लेंगे और उसके बाद हम तल लेंगे इसको। तो दोस्तों, हमने गैस को जला दिया है और कढ़ाई हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। कढ़ाई को हमने पहले से रख दिया था। तो अब सरसों का तेल डालेंगे हम। तेल जब गर्म हो जाएगा तो मछली को हम तलेंगे इसमें। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम मछली की टिक्की हम आराम से डाल के तल लेंगे। गैस को हम स्लो ही रखेंगे कि आराम से मछली बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल आराम से, सावधानी से बिल्कुल इसको पलट देंगे हम। इस तरीके से ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। इस तरीके से बीच बीच में हम ऐसे बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल हवा लेंगे, इसको हो जाना चाहिए। मछली की टिक्की हमारी हो चुकी है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं और इसी तरीके से हम बना लेंगे सभी मछलियों को, मछली की टिक्किया को। तो दोस्तों, हमारी छोटी मछली की टिकिया बिल्कुल बनके तैयार है। बिल्कुल क्रांची, बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है, काफ़ी स्वादिष्ट। और इसमें हम चाट मसाला डाल लेते हैं इस तरीके से सभी पे, और अच्छी तरीके से काफ़ी स्वाद बढ़ जाएगा इसका, और इसे खाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस तरीके से बनाइए, परिवार के साथ मज़े से खाइए। धन्यवाद दोस्तों।